अनंत देखिए, अभी ताजा अपडेट यह है कि दोपहर 1 बजे तक मुजफ्फरनगर में 34.50 के आसपास मतदान हो चुका है। जो पूरे राज्य जो 8 सीटों पर मतदान है उसका औसत से थोड़ा सा 2% कम है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए पिछले मतदान में क्या हुआ था 2019 में कि जो विजेता थे यहाँ से उनमें और सेकंड नंबर जो रहे थे अजीत सिंह, जो अब दुनिया में नहीं है, उनमें फीसदी जो मार्जिन था वो 1% से भी कम का मार्जिन था, 6,000 से कम का मार्जिन था। लेकिन इस बार जब आज सुबह हमने बातचीत की संजीव बालियान से, तो उन्होंने ये साफ कहा कि इस बार थोड़ा समीकरण अलग है, क्योंकि अब जो गठबंधन हुआ है बीजेपी का ठीक चुनाव से पहले आरएलडी के साथ, वो अब पूरा खेल बदलने जा रहा है, ऐसा उनका दावा है। जब मेरी बातचीत नरेश ठक्कर से हुई तो उन्होंने कहा कि लोग नाराज भी हुए हैं तो लोग खुश भी हैं इस गठबंधन से, तो मिली जुली राय यहाँ पर आ रही है। लेकिन काफी धूप होने के बाद भी मैं यहाँ पर एक चीज मैंने नोटिस की आनंद, मैं सुबह से लगातार पूरे मुजफ्फरनगर में घूम रहा हूँ, युवाओं से ज्यादा मैं बुजुर्गों को देख रहा हूँ जो बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं। इतनी गर्मी है भाऊजी, और अपने मत का एक तरीके से पूरा इस्तेमाल करने जब जा रहे हैं, क्या दिमाग में रहेगा जब आप मशीन का बटन दबाएंगे? शांति, बस यही है, गुंडागर्दी खत्म हो, यही है आदमी का, आम आदमी का तो यही है सबसे बड़ी जरूरत। उसे नाम के उस पर वोट करेंगे या काम पर वोट करेंगे, क्या होगा? काम पे ही होती है वोट, काम पर वोट करेंगे। बाबूजी माजी आप भी आ जाइए, थोड़ा शर्मा रही हैं आप कैमरे से, आप बात नहीं करेंगे? देखिए बात थोड़ा अच्छा, देखिए कोई बात नहीं, मानो किसी तरह हमारी जबरदस्ती नहीं है कि हमारे कैमरा पे बात करें, पर उंगली जरूर करें, वोट जरूर करें, वहां जाकर मतदान करें, अपने इंडेक्स फिंगर पर देखें, यहां पर वो इंक का दाग होना चाहिए, तब हम जाके मानेंगे कि आपने वोट किया, और वोट किया तो उसके बाद फिर आप अपनी बात कहें, और जिससे भी जिसके लिए भी आपने वोट किया है, जो भी सरकार में आए उससे प्रश्न भी करें। उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर फिलहाल मतदान जारी है। मुजफ्फरनगर से बीजेपी के प्रत्याशी संजीव बालियान ने न्यूज़ 18 इंडिया से खास बातचीत में दावा किया कि इस बार उनकी जीत का मार्जिन और भी ज़्यादा होगा। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हमारे साथ हैं, घर से निकल रहे हैं, कुट भी जा रहे हैं, पैतृक गांव है, आशीर्वाद भी देगा गांव, बुजुर्गों की आत्माएं वहां पर है, सब कुछ वहां पर है, क्या लगता है हैट्रिक लगेगी आज? परसों चुनाव प्रचार समाप्त करने के बाद पहले सिसोली गया था चौधरी ने इन्वेस्टिगेशन में, और उसके बाद गांव में गया था। हमारे यहाँ देवता बोलते हैं, देवता जो हमारे पूर्वज होते हैं उनको देवता बोला जाता है, तो पूर्वजों का आशीर्वाद परसों शाम भी लेकर आया हूँ, और जब भी मौका मिलता है, जब मन कहीं बार शांत होता है, तो हमारे यहाँ जो देवता बने हुए हैं गाँव में, मैं हमेशा वहां पर जाता हूँ, वहां अच्छा लगता है, आशीर्वाद मिलता है। जनता का आशीर्वाद कैसा मिलने जा रहा है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जब नतीजे आए थे तो मार्जिन बहुत कम था, और आप लगातार दूसरी बार जीते थे, तीसरी बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह अब नहीं है, स्वर्गवासी हो गए, क्या लगता है इस बार मार्जिन बढ़ेगा या टक्कर देगी बाकी जो उम्मीदवार हैं? पिछली बार सब एक जगह थे, मैं अकेला था, इस बार बस बहुजन समाजवादी पार्टी का अपना वोट बैंक है अलग से, बहुजनवाद समाजवादी पार्टी का वो अलग लड़ रही है चुनाव, राष्ट्रीय लोकदल हमारे साथ है, तो समीकरण से चुनाव होता है, समीकरण बड़ा बदलाव है, इसलिए इस बार ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, बाकी चुनाव तो चल ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो मोदी की गारंटी, तमाम उस तरीके से चीजें कही गई, क्या लगता है जनता किन चीजों को ध्यान में रखेगी, किन चीजों को ध्यान में रखते हुए मतदान करेगी आज? देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो डेवलपमेंट मॉडल मोदी ने दिया है, और जो डेवलपमेंट हुआ, बिजली, सड़क, पानी जो बेहतर हुआ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने लैंड ऑर्डर अच्छा किया है, और मोदी जी का विजन है 2047 तक विकसित भारत, तो मोदी जी पर भरोसा है सबको, वो चाहते हैं कि देश का नेतृत्व आगे भी मोदी जी करें। अब वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद ने मतदान के बाद न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए जीत का दावा किया है। इमरान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी ने अपना वोट दे दिया है, वोट की स्याही पहले इमरान भाई दिखाइए, देख सकते हैं वोट की स्याही दिखाते हुए अपने समर्थकों और परिवार के लोगों के साथ, क्या लग रहा है इस बार, किस मुद्दे पे लोग वोट दे रहे हैं और आप किस लोग मुद्दे पे वोट देकर आए हैं? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है ये जो हमने लोकतंत्र के पर्व पर अपने अधिकार का प्रयोग किया, इसको संरक्षित करने का, ये संरक्षित होगा जब संविधान संरक्षित रहेगा, संविधान सुरक्षित रहेगा, संविधान को बदलने की जब देश में चर्चा हो, उस परिस्थिति के अंदर सब लोगों ने संविधान को बचाने के लिए वोट देने का काम किया, हम लोग उसी के ऊपर वोट देकर के आए। तो आप तो दावा करेंगे ही उम्मीदवार हैं कि जीत का, कितनी बड़ी जीत होगी आपकी? निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत होगी, जब लोग कहेंगे ना रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, बूथ के ऊपर अपने वचन को निभा रहे हैं, तो जीत तो बहुत बड़ी है, जीत का चिंता कीजिए, जीत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, दोगुनी वाली, 2014 से दुगना वोट मिलेगा, आप देखिएगा बहुत बड़ी जीत है। तो बहुत बड़ी जीत है इमरान मसूद कांग्रेस के प्रत्याशी कांग्रेस के, और ये कह रहे हैं इस बार बहुत बड़ी जीत सहारनपुर से कांग्रेस प्रत्याशी की होगी।
कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, सहारनपुर।